एमसीडी चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है और खुद मैदान में उतरे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि अपने उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देने पहुंचे हैं। आज नामांकन का दिन है सर, आप शुभकामनाएं देने के लिए अपने उम्मीदवारों को पहुंचे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आप कूड़े का दिल्ली में बना रहे हैं, क्या लग रहा है कि आपकी आवाज दिल्ली की जनता सुनेगी, क्योंकि 15 साल से बीजेपी को यहां पर जीत मिलती रही है? 15 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को मतलब एमसीडी में दिल्ली की जनता से मौका लेती रही है। दिल्ली की जनता 15 साल से भारतीय जनता पार्टी को मौका देती रही है और एमसीडी का प्रमुख काम है कूड़ा साफ करना। एमसीडी का प्रमुख काम है गली मोहल्लों की, जो मोहल्लों में जो छोटी छोटी गलियां हैं, सड़कें हैं, उनको साफ रखना, मेंटेन रखना। लेकिन बीजेपी पूरी तरह से फेल रही है उसमें। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया, केवल लेंटर से वसूली और दिल्ली के दुकानदारों से पार्किंग शुल्क और इन सब के नाम पे वसूली बीजेपी के नेताओं ने यही किया। ना उनसे कूड़ा साफ हुआ, जो कि उनका प्रमुख काम था, जिसके लिए जनता ने उनको जिम्मेदारी दी। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी नहीं किया कि गलियां मेंटेन करती। दिल्ली सरकार में जो काम अरविंद केजरीवाल जी को जनता ने दिया, स्कूल बनाने का, अस्पताल बनाने का, बिजली फ्री करने का, सारे काम करके दिखाए, महिलाओं को बस यात्रा फ्री करने का, अरविंद केजरीवाल जी की अपील, मेरी अपील दिल्ली की जनता से यही है कि आपने 15 साल बीजेपी को देखा, उसने कूड़े पे कोई काम नहीं किया। आप अरविंद केजरीवाल जी को 5 साल देके देखिए, पूरी दिल्ली से कूड़ा साफ हो जाएगा। सर, आप अपना एजेंडा रख रहे हैं दिल्ली की जनता के सामने, बीजेपी आपको घेर रही है पोल्यूशन के नाम पर, सुकेश की चिट्ठी के नाम पर, नई आबकारी नीति के नाम पर, क्या लगता है कि इन मुद्दों के बीच में कौन मुद्दे भारी पड़ेंगे, आपके या उनके? जनता की जरूरत है कि नगर निगम वाला काम तो करे, जनता की जरूरत है कि दिल्ली साफ हो, जनता की जरूरत है कि एमसीडी में बेईमानी ना हो, बल्कि पूरी तरह से जो एमसीडी का काम है वो कूड़े साफ करने का काम हो। तो हमको काम करना आता है, हम अपने काम पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनको मनोहर कहानियां सुनानी आती हैं, वो मनोहर कहानियां सुना सुना के चुनाव लड़ रहे हैं। सर, दो छोटे छोटे आखिरी सवाल, गुजरात में भी चुनाव चल रहे हैं और दिल्ली में भी, समय बिल्कुल एक है, संसाधनों में कहीं कुछ कमी, या क्योंकि आप सीमित संसाधनों की बात करते हैं, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? चुनाव तो जनता लड़ती है और चुनाव जनता ही लड़ाती है और चुनाव में जनता ही जिताती है। ये सब यही साजिशें कर रहे हैं, वो कंफ्यूज हो गए हैं। कभी कहते हैं मनीष सिसोदिया को जेल में डालेंगे, कभी कहते हैं आबकारी नीति, कभी कहते हैं पॉल्यूशन नीति, कभी कुछ, रोज एक नई मनोहर कहानी लेके आ जाते हैं। उनसे चुनाव नहीं लड़ा जाता, काम किया हो तो काम बताओ ना। आज आपके सामने ऐसी पार्टी खड़ी है जिसने काम करके दिखाया है, जनता कह रही है भाई ये काम इन्होंने करके दिखाया, आप बताओ आपने क्या कर रहे हैं, वो एक नई मनोहर कहानी लेके आ जाते हैं रोज। सर, आज आपसे पूछना जरूर चाहेंगे, क्योंकि आप चुनाव में आप जाएंगे, कितनी सीट आम आदमी पार्टी जीतेंगे, क्योंकि नजर रहेंगी नतीजों के लिए? अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं करके दिखाते हैं, उन्होंने बिजली करके दिखाई, पानी करके दिखाया, उन्होंने स्कूल ठीक करके दिखाए, अस्पताल ठीक करके दिखाए, उन्होंने कहा है कि बीजेपी को 20 सीट से कम मिलेंगी, तो दिल्ली की जनता वो भी करके दिखाएगी। अरविंद केजरीवाल जी का कहा सच होगा।